बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी जिले की सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करके आज भी हड़ताल पर बैठे रहे। बता दें, सरकार द्वारा लगाए गए एस्मा के बावजूद बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार पंचकुला में कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के रोष स्वरूप आज प्रदेश भर में काला दिवस मनाया जा रहा है। भिवानी में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के समर्थन में अनेक विभागों के कर्मचारी नेता आगे आए और प्रदेश सरकार के लाठीचार्ज व एस्मा जैसे काले कानून का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाते हुए इसका जवाब राज्य स्तर पर काला दिवस मनाकर दिया। बता दें, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जिले भर में सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है। नफे सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारी सबसे पहली मांग हमारी है बिवाली 100 का ग्रेड पे सरकार लागू करे। दूसरी हमारी है टेक्निकल, हमारे जितने भी साथी हैं कोई भी टेक्निकल नहीं है। अगर किसी बच्चे को भगवान न करे कुछ हो जाए तो हमारे बचाव के लिए कुछ नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें पहले टेक्निकल करे, उसके बाद हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तीसरी हमारी RSS की बहनें 1998 से लगी हुई हैं, जिनको पूरे 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक सरकार ने एक भी कर्मचारी को जो RSS में लगी हुई हमारी बहन जी उसको पक्का नहीं किया है। जब तक सरकार पक्का नहीं करेगी हम इस दरी से उठने वाले नहीं है। आपका मामला अटका हुआ है वित्त मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में। हेल्थ मिनिस्टर बोलता है कि हमने आपकी डिमांड पूरी मान चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री कहता है कि हमारे पास कोई फाइल नहीं है। अब ये नहीं पता सरकार के अंदर सरकार चला कौन रहा है। वित्त मंत्री चला रहा है, हेल्थ मिनिस्टर चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहा है, राज्यपाल चला रहा है, यही नहीं पता चला कि सरकार चलाता कौन है। लेकिन सरकार को एक चेतावनी जरूर देते हैं हम यहाँ से, अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम इस दरी से उठने वाले नहीं है। अभी तो 18 दिन हुए, 18 साल भी हो जाएंगे तब इस दरी के ऊपर बैठे रहेंगे, लेकिन सरकार से हमारी जो मांगे हैं उनको मंगवा के रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये सरकार भी रहने वाले नहीं है। इसके चलती के पैर दिखते हैं। और पिछली जो सरकार थी उसके दौरान भी हमने 62 दिन का धरना नारनौल में किया था और हमारी जो मांगे थी उनको पूरी करवा करके हम 62 दिन में धरने पर से उठे थे। उसी प्रकार से इस धरने पर से भी हम तब उठेंगे जब सरकार हमारी मांग मान लेगी, वरना अन्यथा हम यहीं पर बैठे रहने वाले हैं। सरकार से हमको आपका धरना प्रदर्शन है, क्या आप आंदोलन चित्र? हमारी मांगे हैं सरकार से, मुख्य मांग है कि हमें 4200 का ग्रेड पे किया जाए, टेक्निकल घोषित किया जाए। जो हमारी बहनें RCH की जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं, उनको चाहते हैं कि जो भी बहनें हैं सभी को पक्का किया जाए। हमारी मांगों की यदि सूचना लागू की जाए, और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी हम सरकार से आर पार की लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि हमारी हड़ताल आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। नई सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाती है। हम चाहते हैं कि पत्रकार साथियों के माध्यम से कि सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने मुंडन करवाया, सामूहिक मुंडन करवाया, हमारे विरुद्ध FIR निकलवाई सरकार ने। सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, सरकार हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। मैं सरकार को, ये मेरी अकेले की आवाज नहीं, मैं ये मेरे पूरे भाई बहन भिवानी और दादरी की आवाज है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसी प्रकार सरकार का विरोध करते रहेंगे। और सरकार कहती है कि हमने इनकी मांगों को पूरा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि इन्होंने हमारी मांग को पूरा किया है तो वो दिखाए कि इनका नोटिफिकेशन कहाँ है। हम सरकार से अब भी बातचीत के लिए तैयार है कि हमें बुला जाए, हमारी मांगों के ऊपर घोषणा पत्र जो लागू है उसको किया जाए। हमारा कल के अंदर पूरा हरियाणा प्रांत का बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता मेल फीमेल कल रोहतक जिला के अंदर इकट्ठा होगा और हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हम अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे। तब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी हम इसी प्रकार दरी पर अपने बैठे रहेंगे। और सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम हार मानने वाले नहीं, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं लेकिन हम अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। मैं हूँ प्रधान और सुनीता डब्ल्यू सेंटर का दवाखाना CHC मानेरी। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा 18वें दिन में प्रवेश हो गया, हमारा धरना अनिश्चितकालीन पर है हमें, लेकिन हम सरकार को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। अगर सरकार हमारी जायज मांगों को पूरा करे और हम उन मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, हमें जल्दी से जल्दी सरकार बुलाने की कोशिश करे। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।